सबको जय मसीह की। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को। आज का पवित्र वचन, वचन ही सब कुछ है। जैसे कि यहूना 1:1-3 आयत में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे पास्टर यह शिकायत करते हैं कि हमारे चर्च में लोग आते तो हैं पर ज़्यादा दिनों तक रुकते नहीं हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अपनी कलीसिया को सिर्फ चंगाई या भविष्यवाणियों के आधार पर नहीं चला सकते, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन को गहराई से प्रचार करना पड़ेगा और कलीसिया तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ चंगाई और भविष्यवाणियां करेंगे तो लोग चंगाई और भविष्यवाणी लेंगे और उसके बाद कहीं और चले जाएंगे। पर अगर आपकी कलीसिया को परमेश्वर के वचनों का ज्ञान है और वह चंगाई, भविष्यवाणियों और परमेश्वर के कामों को देख रही है तो वह हमेशा बढ़ेगी। हालेलुया। जब लोग वचन को गहराई से सुनते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता जाता है। वचनों से विश्वास की नींव मजबूत बनती जाती है कि परमेश्वर, तू मुझे चंगा करे या ना करे, तू ही मेरा परमेश्वर है। छुड़ाए या ना छुड़ाए, तू ही मेरा परमेश्वर है के बाद फिर रुमाल के स्पर्श की यह घोषणा सामर्थ्य, तेल से प्रार्थना या हाथ रखकर प्रार्थना करने की जरूरत होती है और उसके बाद उनकी गवाही आने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। जब आपके जीवन में वचन का गहरा स्थान होता है तो वह आपकी चंगाई आशीष को हमेशा बनाकर रखता है और आपको उधार में बनाकर रखता है। वचन के ज्ञान के बिना आशीष और चंगाई आने के बाद फिर वापस जा सकती है। जिस तरह से पैसे से एक गाड़ी खरीदने के बाद पैसे से ही उसके पेज पुंजों को ठीक कराकर उसका ख्याल रखा जाता है, उसी तरह से वचनों को सुनकर ले गई चंगाई और आशीष वचनों के द्वारा ही संभाली जा सकती है। हालेलुया। जब भी आप चर्च में गवाहियों को सुनते हैं तो हर एक व्यक्ति यही बोलता है कि मैंने चर्च आना शुरू किया और वचनों को सुनना शुरू किया, क्योंकि जितनी गवाहियों को आप सुनते हैं उनमें से हर कोई चर्च में आते ही चंगा नहीं हुआ। उसकी दुख बीमारियां वैसी ही थी, लेकिन जब वह लगातार चर्च आते रहे और वचनों को सुनते रहे तो एक दिन आया जब परमेश्वर ने उन्हें छुआ और चंगा आजाद किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वचन आपके जीवन में होते हैं तो शैतान आपको भरमा नहीं पाता, क्योंकि आपको वचनों की सामर्थ्य पता होती है और यह भी पता होता है कि आपके जीवन के कौन से हिस्से में कौन सा वचन लगता है। फिर आप वचन से प्रार्थना करते हैं और शैतान को हराकर अपनी आशीषों पर कब्जा करते हैं। जिस तरह से जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश की तो प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार परमेश्वर के वचन से शैतान को जवाब दिया और शैतान को हराकर उसे भगाया। वचन ही आपकी जिंदगी का आधार है। वचन के बिना आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते, लेकिन वचन की गहराई अगर आपको पता है तो आप अपनी जिंदगी को जैसे आप चाहते हैं वैसे ही बना सकते हैं। जिस तरह से इसहाक ने परमेश्वर के वचनों पर अपना ध्यान लगाकर 20 साल बाद बच्चे की आशीष ली। आमीन। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझे दे ताकि मैं आपके वचनों की गहराइयों को समझ सकूं और उनके द्वारा अपनी आशीष और गवाहियां बनाकर रख सकूं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।